वेलकम टू माई चैनल लव गार्डन। आज हरेला का पर्व है और आप सबको हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में हरेला से सावन की शुरुआत होती है। हरेला का मतलब हरियाली से होता है और प्रकृति संरक्षण से है। आज के दिन हर घर में वृक्ष लगाए जाते हैं और ऐसे प्लांट जो लंबे समय तक चलते हैं, परमानेंट प्लांट। आज मैं भी कुछ प्लांट तैयार करी हूँ और आप भी इस तरह के सावन, वैसे भी सावन का महीना बारिश का दिन है और ऐसे में आप कोई भी प्लांट तैयार करेंगे तो आप आसानी से बाहर कटिंग से ग्रो करके बाहर कहीं लगा सकते हैं, जिनमें मेन पीपल है और नीम है। जो कुछ प्लांट मैंने तैयार किया है, इस समय तुलसी भी हर पॉट में या गार्डन में निकल आती है। कई तरह की तुलसी है, जैसे बन तुलसी, दोना तुलसी और रामा और श्यामा। ये आप सभी का देख रहे हैं प्लांट जो मैंने कटिंग से तैयार किया था और आपको मैंने दिखाया था। 5-6 कटिंग छोटी लगा रखी थी, जो इन समय बारिश में बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर गया है। और ये सभी प्लांट मैं या तो किसी को दे दूँगी जो कि बाहर कहीं लगा दे। आप घर घर में पीपल देखते होंगे, इस समय हर जगह पीपल दीवार के किनारे, रोड के किनारे, दीवार पर से या कहीं से भी निकल आता है। ऐसे में इन प्लांट्स को निकाल कर मैंने 15-20 दिन पहले या बारिश के पहले जून में ही लगा दिया था पॉट में। लगाने में कुछ प्लांट के रूट्स ख़राब भी हो जाते हैं खींच के निकालने में, आप ये नीम देख रहे हैं। और ऐसे में ये जितनी बारिश हुई है उतना ही अच्छा ये प्लांट तैयार हो गया है। 3-3 फीट के प्लांट है और ये मैं किसी स्कूल, कॉलेज या कोई सरकारी जगह हो या फिर मंदिर के बाहर गार्डन में मैं इस तरह से प्लांट लगा देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक बोनसाई बट तैयार कर रही हूँ, बट वृक्ष, जिसमें देखिए नए एरियल रूट्स आ रहे हैं और इनको भी मैंने इनको निकाल के इसको अच्छे से साफ़ करके और फिर से इसके रूट्स को थोड़ा बाहर निकाल कर और इसको नीचे से कटिंग करके फिर से नए सोयल में लगाया है। इस समय मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो प्लांट लगाए हैं वो अब किस तरह तैयार हो गए। 3-4 साल पहले का लगा हुआ ये नीम का पेड़ है, ये ऐसी जगह पे मैंने लगाया है जहाँ पे डेड एंड है, यहाँ गली आके ख़त्म हो जाती है और इसके आगे ये चौकोर जगह बच जाती है। ऐसी जगह पे मैंने ये सावन का महीना है तो मैंने यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ भी लगा दिया है जो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये आप गुड़मार देख रहे हैं जो मधुमेह में खाया जाता है, शुगर के पेशेंट खाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कनेर देख रहे हैं। इधर एक प्लांट मैंने हरसिंगार का लगाया है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस तरह से मैंने इस जगह पे काफ़ी प्लांट लगाए हैं। इधर इस साइड को मैंने एक करी पत्ता का प्लांट लगाया है, नीचे आप तुलसी देख रहे हैं। और आज हरेला के दिन मैंने ये नीम का प्लांट लगाया है। ये सभी प्लांट मैं कहीं से निकाल के ही लाती हूँ, खरीद कर कुछ भी नहीं लाई हूँ। जैसे आप कटिंग से भी तैयार कर लेती हूँ, जैसे ये मेरा नीम का जो पुराना पेड़ है उसके नीचे बहुत से छोटे छोटे नीम उगाते हैं। ये आप करी पत्ता देख रहे हैं, ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। और इस तरह से आप प्लांट लगा सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल लव गार्डन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।